भारत को वैश्विक जगत में एक उभरते हुए राष्ट्र के साथ विश्व शांति के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में प्रतिस्थापित करवाने में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और जीवन कृतित्व के विषय पर उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर शागिर्द बनकर साथ रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, उनसे की खास बातचीत हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अहिंसा और भाईचारे का संदेश देकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को वैश्विक स्तर पर शांति का अग्रदूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाजपेयी जी के जीवन मूल्य और आदर्शों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी। सर, वाजपेयी जी का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वसुदेव कुटुम्बकम कहती है कि पूरी धरा एक माँ है, पालनहार है, और उस पर जितने भी प्राणी हैं वो सब एक कुटुंब के रूप में, परिवार के रूप में। अटल जी ने भारत के इस दर्शन को ईमानदारी से जिया। उन्होंने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए और उस आंदोलन को लीड किया। आपका भी कई दशकों का उनके साथ साथ रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना में आपने भी उनके साथ कई तरह की भागीदारी निभाई, किस तरह देखते वो संस्मरण आज? ऐसा है कि हिमालय की, बौद्ध जगत की, चीन भारत के रिश्तों में एक तूफान उठा जब करमप्पा जी भारत के अंदर आए, तो मुझे तो ये कहा गया कि भाई जानकारी लेकर दो और पूज्य दलाई लामा जी के क्या शब्द हैं। मैं गया, सबसे मिला, मैंने आकर ये कहा कि चीन का जो प्रलाप है वो बेमतलब है, वो इसमें कूटनीतिक राजनीतिक चाल चल रहा है। अटल जी निश्चिंत हुए और उन्होंने अपने ढंग से दलाई लामा जी के मिडल वे को भी किया, भारत के इंच इंच की रक्षा करने, और करमप्पा जी को भी शरण देकर उन्होंने चीन के साथ दुश्मनी ना करते हुए परंतु एकता और अखंडता का सम्मान रखते हुए वार्तालाप की। हमने एक बार उनसे मिलकर ये कहा कि वन बॉर्डर वन फोर्स हो जाए, उनको बहुत अच्छा लगा। आज जो भारत है वन बॉर्डर वन फोर्स और आल फोर्सेस जो हैं मेन फोर्सेस सारी सीमाओं पर, और पारामिलिट्री फोर्सेस एक एक बॉर्डर पर, जैसी जवाबदेही तय हुई तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ी और विदेशी घुसपैठ और आक्रमण का मुँह तोड़ जवाब दिया जाने लगा। अनहोने थे, इकलौते थे ऐसा नेता भारत और दुनिया में बहुत रेयर होते हैं, वो उन्हीं में से एक थे। तो इतने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी, जिनका मानना है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न केवल राष्ट्र के एक धरोहर थे बल्कि राष्ट्र निर्माण के साथ साथ मानव मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों के लिए पूरी दुनिया के दिलों में वो राज करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैश्विक मूल्यों के कार्यों की बदौलत वो अपनी जीवनता का हमें एहसास करवा रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।